Hello friends, welcome to this webinar and today we are going to discuss regarding Chanakya Neeti. Chanakya Neeti के बारे में हम लोग discuss करने वाले हैं. बचपन से हम लोग Chanakya Neeti के बारे में सुनते आ रहे हैं, मतलब politics के related या फिर ये बहुत Chanakya Neeti खेलता है and all. ये बहुत बार हमने words सुना है, बहुत बार हमने किताबें भी देखी हैं, बहुत सारे serials भी देखे होंगे. तो मैंने भी बचपन से उसके बारे में सुना था लेकिन कभी इतना सीरियसली लिया नहीं उसके बारे में. लेकिन रिसेंटली मुझे पता चला कि यार उसके अच्छे अच्छे बुक्स वगैरह भी हैं, चलो देख लेते हैं ना. मुझे सबसे पहले लगता कि चाणक्य नीति पॉलिटिक्स होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा, समझना मुश्किल हो जाएगा. लेकिन मैंने डिसीजन लिया, चलो यार एक बार ट्राई तो करके देखते हैं. जब तक ट्राई नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा. सबको वीडियोस ऑफ रखने हैं, यहाँ पे वीडियोस ऑफ रखने हैं, अदरवाइज मुझे एवरी टाइम वीडियो ऑफ करने पड़ेंगे अगर आप वीडियो ऑन रखेंगे तो. सो मैंने वो चाणक्य नीति की किताब मैंने पढ़ना शुरू कर दिया. आई होप सबको मेरा आवाज आ रहा है. आई होप एवरीवन इज वॉइस नहीं आ रहा है लेकिन यहाँ पे तो आवाज मुझे दिख रहा है. चंद्रशेखर सर, कैन यू लिसन, क्या आपको आवाज आ रहा है? जगदीश जी, आ गया आवाज? ओके फैंटेस्टिक, बिकॉज आवाज यहाँ पे क्लियर है. मैंने यहाँ पे चेक किया है, टेक्निकली एवरीथिंग इज सेट. सो मैंने भी बहुत सारी किताबें पढ़ने की कोशिश की तो उसमें से एक किताब मुझे अच्छी लगी और चाणक्य नीति के बारे में ये मुझे अच्छा लगा कि जो कंपैरिजन उन्होंने किया हुआ है, छोटी छोटी बातों में उन्होंने जो कंपैरिजन किया हुआ है, इस कंपैरिजन इज अमेजिंग. मतलब वो कंसेप्ट हमारे दिमाग में बैठने के लिए, देखिए कंसेप्ट तो हमारे जिंदगी में हमें बहुत सारे पता होते हैं लेकिन जब हमें एग्जाम्पल्स मिलते हैं उसके रिलेटेड तो वो कन्विक्शन हमारा बहुत स्ट्रांग हो जाता है. और जो चाणक्य जी ने एग्जाम्पल दिया था, दोज एग्जाम्पल्स आर अनबिलीवेबल एग्जाम्पल. मतलब जो उन्होंने सोच रखी है बहुत जबरदस्त सोच रखी है. सो उसमें से छोटे छोटे पार्ट, मतलब मुझे लगता है चाणक्य नीति हमें दो से तीन बार मुझे लगता है वेबिनार करने होंगे कि एक ही सेशन में वो कवर करना सब कुछ पॉसिबल नहीं है बिकॉज हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी होंगे तो उसमें हमें वो क्लियर करना होगा. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द बेसिक स्टफ ऑफ द चाणक्य नीति. सो एक कंसेप्ट मैं यहाँ पे इंग्लिश में कुछ पढ़ के बताऊंगा फिर उसका बाद में मैं आपको इंग्लिश में हिंदी में कन्वर्जन करके एक्सप्लेन करूंगा. रिचेस, वाइटलिटी, लाइफ, बॉडी ऑल आर फिकल एंड फे, ओनली धर्म इज कॉन्स्टेंट एंड एवर लास्टिंग. मतलब जो आपका पैसा है, जो आपका उमंग है, आपकी आपकी लाइफ है, बॉडी है, सब कुछ खत्म होने वाला है सब कुछ, लेकिन एक ही चीज लाइफ लॉन्ग रहने वाली है, दैट इज धर्म. दैट इज धर्म. और धर्म का मतलब एज पर चाणक्य इज कंपैशन. मतलब किसी के लिए आपके मन में प्यार होना, दया होना, दैट इज कॉल्ड धर्म एज पर चाणक्य. और एक चीज चाणक्य जी ने कही है कि जो भगवान होता है वो बेसिकली कोई मूर्ति में नहीं है या फिर कोई चीज में नहीं है. बिकॉज हम लोग कोई भी मंदिर में जाते हैं या फिर मस्जिद में जाते हैं, वहां पे कुछ तो होता है, लेकिन उन्होंने कहा है कि भगवान आपके फीलिंग्स में है, आपके थॉट्स में है. अगर आप किसी पत्थर को भगवान मानने लगे, कोई भी एक पत्थर है या फिर कोई भी चीज है उसे अगर आप भगवान मानने लगे सो ऑटोमेटिकली वहां से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा. बिकॉज पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में ऐसा एक एग्जांपल उन्होंने दिया था. एक व्यक्ति था जो मर रहा था, मतलब उसकी डेथ सर्टन थी, तो वो मोमेंट में उसके बेटे ने क्या किया, एक क्रॉस लेके आया. जो क्रॉस होता है, जो क्रिश्चियनिटी में क्रॉस होता है, वो क्रॉस लेके आया और क्रॉस को उसने रिंग लगाई और उसको कहा कि ये क्रॉस मुझे बहुत मेहनत करने के बाद मिला है, ये क्रॉस को जो भी हक करेगा तो वो हेल्दी हो जाएगा. ऐसे कुछ तो उसने झूठ मूठ की स्टोरी बनाई और वो क्रॉस वो जो उसके एजेड डैड थे उनके हाथ में दे दिया. उन्होंने वो क्रॉस को हक कर लिया और ऑटोमेटिकली उनका हीलिंग हो गया और जो मरने वाले थे वो जिंदा हो गए. आई मीन टू से उनका हेल्थ बहुत जबरदस्त हो गया. तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है. दीज आर रिलेटेड बिलीफ सिस्टम एंड ट्रस्ट मी, इट इज ऑल अबाउट योर बिलीफ. मतलब आप जहां पे भी जाएंगे, कोई भी मंदिर में जाएंगे तो आपका अगर बिलीफ स्ट्रांग है तो वहां पे आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा. यही चाणक्य जी हमें एक्सप्लेन करना चाहते हैं. उन्होंने, चाणक्य जी ने और एक चीज कही है कि एंगर इज अ डेथ. जो गुस्सा होता है ना, गुस्सा वो मौत के बराबर है. इस तरीके से उन्होंने कंपैरिजन किया है. लस्ट इज अ रिवर ऑफ हेल. मतलब जो लस्ट होता है, जो हमें जो लोभ होता है किसी के प्रति, वो उन्होंने कंपेयर किया है हेल, नरक से कंपेयर किया हुआ है. नॉलेज को उन्होंने कंपेयर किया है काऊ को. जो काऊ मतलब जो गाय होती है, गाय से उन्होंने कंपेयर किया है नॉलेज को. और सेटिस्फैक्शन को उन्होंने नंदनवन कहा है. सेटिस्फैक्शन इट इज कॉल्ड ग्रेटिट्यूड. हम लोग जो ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड हर बार कहते रहते हैं, हर बार मैं ग्रेटिट्यूड के ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूँ,
बिकॉज ग्रेटिट्यूड पर बहुत सारे कोट्स भी है, जैसे कि अ ग्रेटफुल हार्ट इज अ मैग्नेट ऑफ मिरेकल्स, अ ग्रेटफुल हार्ट कैन टर्न योर लाइफ इन टू गोल्ड, अ ग्रेटिट्यूड इज अ विटामिन फॉर योर सोल, ऐसे बहुत सारे ग्रेटिट्यूड के ऊपर है। और आप कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाएंगे या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने वाले व्यक्ति के पास जाएंगे या फिर NLP आप सीखने जाएंगे तो सब जगह पे ग्रेटिट्यूड को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और यही चीज चाणक्य जी ने यहाँ पे एक्सप्लेन की है। बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए, एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिया उन्होंने दिया है कि भगवान कहाँ पे है, भगवान कहाँ पे है, ये क्वेश्चन का उन्होंने आंसर दिया है। भगवान बेसिकली हमारे अंदर है, जैसे कि उन्होंने कंपैरिजन देखो कितना ब्यूटीफुल किया हुआ है, जैसे कि जो सुगंध होती है वो कहाँ पे होती है, फूलों में होती है, फूल जो होता है फ्लावर उसमें सुगंध होती है, उसी तरह से जो जो ऑयल होता है, जो तेल होता है वो किसी तो सीड में होता है, जैसे सोयाबीन होता है या फिर सिंग होता है, उसके अंदर ऑयल छुपा हुआ होता है। जैसे कि जो फायर होती है वो वुड में छुपी हुई होती है, जब हम लोग फायर एक दूसरे को रब वुड एक दूसरे को रब करते हैं ड्राई वुड तो उससे फायर क्रिएट होती है, तो वो उन्होंने एक्सप्लेन किया है। जैसे घी जो होता है, घी मिल्क में होता है, राइट। जैगरी जो होता है, जैगरी मतलब जो गुड़ जो होता है वो बेसिकली शुगर केन मतलब गन्ने में होता है, उसी तरीके से भगवान हमारे अंदर छुपा हुआ है, भगवान हमारे अंदर छुपा हुआ है। तो गॉड इज विद इन यू ओनली, और गॉड दूसरे भी व्यक्ति में, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके पास है, जो भी व्यक्ति से आप कनेक्ट होते हो उसी के उस व्यक्ति में अगर आप भगवान देखने लगे सो आपकी स्पिरिचुअलिटी के लेवल बहुत जबरदस्त बन जाएगी। साई बाबा का चरित्र भी आप स्टडी करोगे तो साई बाबा के चरित्र में बार बार उन्होंने कहा है कि हर जगह पे आप भगवान को देखो। इसीलिए मैं हर बार कहता हूं कि हर एक व्यक्ति के साथ आपको अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, हर एक व्यक्ति के साथ, किसी को भी कभी हमें फंसाना नहीं है, बिकॉज हम लोग भगवान को फंसा रहे हैं, खुद को फंसा रहे हैं। सो ये बहुत ब्यूटीफुल वे में चाणक्य जी ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, और एक बहुत अच्छा एग्जांपल उन्होंने दिया लॉ ऑफ कर्मा के रिलेटेड, लॉ ऑफ कर्मा के रिलेटेड बहुत सुंदर एग्जांपल दिया है। देखो जो गाय का बछड़ा होता है ना, गाय का बछड़ा, उसको अगर बहुत सारे जो गाय रहेंगे मतलब 100-200 गाय समझो एक जगह पे है और वो बछड़े को छोड़ दे तो बछड़ा कोई भी गाय के पास नहीं जाएगा, वो एग्जैक्टली उसके माँ के पास ही जाएगा, राइट। वो गाय का बछड़ा इधर उधर किधर नहीं जाएगा, उसकी जहां पे माँ है मतलब 100 गाय वहां पे है, बहुत सारी है काउज है, तो उसमें से ढूंढ के निकालेगा। उसी तरीके से आपका कर्मा अच्छा या फिर बुरा आपको ढूंढ के निकालेगा। प्लीज अंडरस्टैंड, भगवान हमें माफ कर देते हैं कोई भी चीज के लिए, आपसे कुछ गलत कर्माज हुए हैं तो भगवान आपको माफ कर देंगे, लेकिन लॉ ऑफ कर्मा आपको कभी माफ नहीं करेगा। आप किधर भी जाइए दुनिया में, आप मंदिर में कितना भी चढ़ावा चढ़ाइए, आपको वो कर्मा ढूंढेगा। हाँ, अगर आप बहुत अच्छा कर्म करने लगोगे तो उसका इंटेंसिटी कम हो जाएगा, मतलब जो कर्मा आपने किया है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी जो उसकी इंटेंसिटी है वो कम हो सकती है, शायद इलिमिनेट भी हो सकता है, बट वो कर्मा आपको कहीं ना कहीं से तो ढूंढ के निकालेगा। इसीलिए अभी तक जो भी हुआ है जिंदगी में भूल जाओ, लेकिन आज के बाद कोशिश करो जो भी व्यक्ति से आप कनेक्ट होंगे उसको उसके जिंदगी में आप हैप्पीनेस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, उसके जिंदगी में कुछ ना कुछ खुशहाली लाने की कोशिश करेंगे। अगर ये हमारा पैटर्न क्लियर होगा ना, मैं आपको कहता हूँ आपको विजुअलाइजेशन अफर्मेशन कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप दिल के सच्चे हो और पूरे ऑनेस्टी के साथ किसी को सर्विस देते हो तो आपको सभी देवी देवता के आशीर्वाद मिलते हैं ऑटोमेटिक। इट्स वेरी बेसिक फॉर्मूला, बिकॉज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं, कितना चैंटिंग करते हैं, कितना होम हवन करते हैं, लेकिन वो सब करने के बाद इसका गेम कैसे करूँ, उसका गेम कैसे करूँ, उसके ऊपर फोकस करते हैं या फिर निंदा करते रहते हैं किसी व्यक्ति के, उससे कुछ भी फायदा नहीं होगा, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी बैड कर्मा। बहुत ब्यूटीफुल वे में उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। और एक चीज यहाँ पे दी हुई है चाणक्य जी ने कि कोई भी कर्मा हम लोग करते हैं, देखो हमारे पास फ्री विल है। फ्री विल मतलब क्या, हमें जो चाहिए वो हम कर सकते हैं, हमें जो चाहिए वो हम कर सकते हैं, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंस होंगे अच्छे या बुरे उसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। जो भी एक्शन हमें आपको लेना है आप ले सकते हैं, लेकिन उसका जो अच्छा बुरा कॉन्सिक्वेंस होगा उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं। जैसे कि अभी लॉकडाउन पीरियड शुरू है तो लॉकडाउन पीरियड में अगर आप सोचते हो चलो यार बीबी को अलग अलग डिशेज बनाने बोलेंगे, नई नई चीज खाते रहेंगे, तो उसके पास उसका एब्सोल्युटली आपके पास फ्री विल है। देखिए अभी क्या हो रहा है कि बहुत दिनों से आपको मतलब घर का खाना नसीब नहीं हो रहा था, बिकॉज रात को घर पे आने के बाद वो घर का खाना आपको नसीब होता था, लेकिन आप इतने दिन से घर पे हो तो बीबी आपकी बहुत जबरदस्त चीजें बना रही है, तो आप खाते जा रहे हो
तो ये फ्री विल है आपके पास, आपको क्या करना है, आपको मूवीज देखते रहनी है या फिर किताबें पढ़नी है, क्या करना है आपको जिंदगी में, इसका फ्री विल आपको दिया हुआ है भगवान ने। लेकिन उसका जो कॉन्सिक्वेंस होगा, मतलब अभी जब ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और रियल वर्ल्ड में हम लोग जाएंगे, अगर आपने आपके स्किल्स अपलिफ्टेड नहीं किए हैं या फिर आप बहुत आलसी बन गए, तो आप बहुत बुरी तरह से सफर करने लगोगे। बिकॉज लॉकडाउन पीरियड के बाद कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, बहुत सारे लोगों के जॉब जा सकते हैं, बिजनेस में भी बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं। इसीलिए आज से तैयारी करना शुरू करो, अभी भी 4-5 दिन लॉकडाउन खुलने के लिए बाकी है। आज से ऑनेस्टी के साथ खुद के डाइट के ऊपर, खुद के हेल्थ के ऊपर काम करना शुरू कीजिए, बिकॉज आपके पास फ्री विल है कुछ भी काम करने के लिए, लेकिन उसका जो कॉन्सिक्वेंस है उसका आपके पास फ्री विल नहीं है, वो आपको भुगतना ही पड़ेगा। और एक चीज उन्होंने अच्छी कही है, जब तक आप जिंदा है तो आपको सत्कर्म करते रहना है, अच्छा कर्म करते रहना है, बिकॉज मरने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए जब तक जिंदा है तब तक आप जितने भी अच्छे कर्म कर सकते हैं करना शुरू कीजिए। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है, जो बुरा टाइम शुरू हो जाता है ना, फिर वो भगवान को ढूंढने लगते हैं, अच्छे अच्छे कर्म करने लगते हैं। लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके जिंदगी में बहुत अच्छा टाइम अभी कट रहा है, अच्छा टाइम चल रहा है, तो यही मौका है आपको अच्छे कर्म करने के लिए। आप जितने यंग एज में, बिकॉज बहुत सारे लोगों का परसेप्शन क्या होता है, मतलब वो मंदिर में जाना या फिर किसी की सेवा करना, किसी को हेल्प करना, ये कब करना होता है, जब आदमी रिटायर्ड हो जाता है, उसके पास कुछ काम धंधा नहीं बचता, जो बुढ़ा हो जाता है, तब के काम है, तब मंदिर में जाएंगे, कुछ चैंटिंग करेंगे, किसी की मदद करेंगे, तब का काम है, तब तक कुछ नहीं करेंगे। इट्स वेरी रॉन्ग फिलोसॉफी, बिकॉज जब तक आपका एज, आप रिटायर हो जाओगे, जब आप मे बी 55-60 तक जाओगे, आपके पास उतनी एनर्जी नहीं रहेगी वो किसी की सेवा करने के लिए, आप खुद की भी सेवा प्रॉपरली नहीं कर पाओगे, तो दूसरों की क्या खाक करोगे। इसलिए आप जितने यंग एज में स्पिरिचुअल चीजें करोगे, जैसे कि मेडिटेशन है या फिर चैंटिंग है, किसी की मदद करना है, कुछ अच्छे कर्म करना है, तो ये आपको करना है। अब जब आप यंग है, जवानी में है, तो ये बेस्ट टाइम है ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपकी मदद करने के लिए, बिकॉज उससे आपके अच्छे कर्म बनेंगे और आपको अच्छे रिजल्ट आने वाले दिनों में मिल सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे एक कंपैरिजन किया हुआ है डिजीज के बारे में, कौन सा डिजीज, मतलब बीमारी सबसे बुरी है। एज पर चाणक्य नीति, सबसे बड़ी बीमारी है सेक्सुअल डिजायर, बिकॉज सेक्सुअल डिजायर की वजह से बहुत सारे रॉन्ग कर्मास किसी व्यक्ति से हो सकते हैं, इसलिए सबसे बड़ा डिजीज उन्होंने ये दिया हुआ है। सबसे बड़ा इनिमी कौन सा है, सबसे बड़ा इनिमी है उन्होंने कहा है इनफैचुएशन। मतलब क्या, बेसिकली अट्रैक्शन, कोई भी चीज के प्रति हमारा जो टेम्पररी अट्रैक्शन होता है, जैसे कि स्मोकिंग हो गया, आपको पता है बहुत सारे लोगों को जो स्मोकिंग की आदत होती है या फिर ड्रिंकिंग की आदत होती है, क्यों लगती है यार, बोलते चल यार जिंदगी में आए हैं, एक बार ट्राई तो करके देखेंगे यार, दोस्तों की महफिल में एक बार ट्राई तो करके देखेंगे, वो एक बार ट्राई करते हैं, दो बार ट्राई करते हैं, उनको मजा आने लगता है, फिर वो एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए जो ये टेम्पररी अट्रैक्शन होता है ना, इसमें हमें कभी भी नहीं अटकना है। जैसे कि अभी टेम्पररी अट्रैक्शन आपको क्या हो सकता है, अभी लॉकडाउन पीरियड चालू है, चलो यार जरा बाहर घूम के आते हैं, जरा दुनिया देख के आते हैं, अगर पूरी दुनिया कैसी शांत है, सब दुकानें वगैरह बंद है, कैसा व्यू दिखेगा, कैसे लोग दिख रहे हैं, कैसी सिचुएशन अभी है यहाँ पे, चलो अभी ट्रेन बंद है, चलो जरा स्टेशन पे जाके आते हैं, स्टेशन पे देखते हैं कि स्टेशन पे कैसा सन्नाटा है, कभी ऐसा सन्नाटा जिंदगी में साला देखा ही नहीं है, चलो देख के आते हैं। दिस इज कॉल्ड टेम्पररी अट्रैक्शन। और ये टेम्पररी अट्रैक्शन बहुत 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 ज्यादा डेंजरस है, मतलब ये सबसे बड़ा आपका इनिमी है एज पर चाणक्य नीति। एंड आई एग्री, जो भी चाणक्य नीति में उन्होंने कंपैरिजंस किए, बहुत ब्यूटीफुल कंपैरिजन है। नो फायर इज हॉटर देन अ फायर ऑफ रैथ, मतलब कोई भी आग इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी की आग होती है गुस्से की। गुस्सा बहुत डेंजर चीज होती है, गुस्से के वजह से बहुत सारे रॉन्ग कर्मास आपसे हो सकते हैं। सो गुस्से को उन्होंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब फायर से भी ज्यादा डेंजरस उन्होंने गुस्से को कहा हुआ है। एंड नो हैप्पीनेस इज बेटर देन सेल्फ नॉलेज, कोई भी हैप्पीनेस सेल्फ नॉलेज से बेटर नहीं है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, खुद को जानने की कोशिश कीजिए। अभी मैं रिसेंटली मैंने न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया है, लॉकडाउन पीरियड में, एंड आई कैन प्राउडली से बाय गॉड्स ग्रेस आई एम अ न्यूमरोलॉजिस्ट नाउ। आई कैन टेल यू लॉट्स ऑफ थिंग्स रिगार्डिंग यू फ्रॉम योर बर्थ डेट। उसका एडवांस कोर्सेस में भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अभी पूरा फुल फ्लेज बन गया हूँ, लेकिन उसके एडवांस कोर्सेस भी कर रहा हूँ। तो ये करना क्यों पॉसिबल है, आप न्यूमरोलॉजी का हेल्प ले सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी की आप हेल्प ले सकते हैं, DMIT करके एक साइंस है, डोमेटोग्लिफ्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट,
उसका भी मैं काउंसलिंग वगैरह करता हूँ, आप उसकी भी, लेकिन जो भी व्यक्ति से आप कनेक्ट हो रहे हैं नॉलेज के लिए, वो व्यक्ति ऑथेंटिक होना चाहिए, बिकॉज उससे क्या होगा कि आपको आपके बारे में बहुत जबरदस्त इन्फॉर्मेशन पता चल सकती है. इवन यू कैन यूज द सबकॉन्शियस माइंड टेक्निक्स, मतलब एक अफर्मेशन में आपको बोलूंगा कि जैसे कि आई एम डिवाइनली गाइडेड, अगर आप आई एम डिवाइनली गाइडेड बोलते रहेंगे या फिर आप कहते रहेंगे कि आई नो माई सेल्फ कम्प्लीटली, आई नो माई सेल्फ कम्प्लीटली, अगर ऐसे अफर्मेशन आप करोगे, विजुअलाइजेशन आप करोगे, सो ऑटोमेटिकली आपको आपकी स्ट्रेंथ वीकनेसेस उसके बारे में पता चल जाएगा. दैट इज कॉल्ड स्वॉट एनालिसिस. इसलिए सेल्फ नॉलेज, नो दाई सेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हर एक संत ने, हर एक महात्मा ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया हुआ है. इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आपकी जो बर्थ डेट है आप गूगल के ऊपर जा सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर जाइए. अगर आपको आपकी कंफर्म बर्थ डेट पता है, सिर्फ डालिए कि ये बर्थ डेट पे जन्म होने वाले लोग कैसे होते हैं. जैसे कि समझो मेरी बर्थ डेट है 7, तो 7, 16 और 25, 7, 16 और 25, ये 3 दिनों में अगर आपका जन्म हुआ है, तो उसमें जैसे कि मेरा जन्म 7 को हुआ है, तो किसी का 16 या फिर 25 को हुआ है, 7, 16, 25 में जिनका जन्म हुआ है, तो उनके आप क्वालिटीज अगर यूट्यूब के ऊपर जाके देखेंगे, यू विल बी शॉक्ड कितने एक्यूरेट वे में ये एक्सप्लेन किया हुआ है. समझो किसी का जन्म 2 तारीख को हुआ है, 11 तारीख को हुआ है, या फिर 20 तारीख को हुआ है, 29 तारीख को हुआ है. सो गो एंड चेक इट आउट, व्हाट काइंड ऑफ गॉड गिफ्टेड पोटेंशियल यू हैव. इट्स अमेजिंग साइंस, ट्रस्ट मी. मैं जो भी चीज आपको शेयर करता हूँ उसके पीछे रिसर्च है. मैं हवे में कभी बात नहीं करता. आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो मेरा माइंड कंप्लीटली लॉजिकल है. तो जो भी चीज मुझे पता चलती है, मैं खुद के ऊपर अप्लाई करता हूँ, टेस्ट करता हूँ, देन ओनली आई शेयर विद अदर्स. सो एस्ट्रोलॉजी का आप हेल्प ले सकते हैं, यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द न्यूमरोलॉजी, DMT, से बहुत सारे साइंस है. सो उसका हेल्प लेके खुद को जानने की कोशिश कीजिए, खुद को जानने की कोशिश कीजिए. बिकॉज अभी 2 साल पहले मैं टॉनी रॉबिन्स का प्रोग्राम अटेंड कर रहा था, तो वहां पे उन्होंने यही कंसेप्ट कहा था कि जैसे कि बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हिप्नोटिज्म, NLP पागल जैसे सीखते रहते हैं, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, ये वो, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि वो कौन है. उनको पता ही नहीं कि वो ऑडिटरी है, काइनेस्थेटिक है, कि वो विजुअल है. अगर उनको पता ही नहीं है तो वो काम उनका बनेगा ही नहीं. बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सबको पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे होता है, ये विजुअलाइज करो या अफर्मेशन लिखो या फिर अफर्मेशन सुनो. लेकिन अगर आप ऑडिटरी पर्सन है तो ही अफर्मेशन आपके लिए काम करने वाले हैं. अगर आप विजुअल पर्सन है तो ही आपके लिए विजन बोर्ड काम करने वाला है. अगर आप काइनेस्थेटिक पर्सन है तो ही आपके लिए वो गोल्स लिखना काम करने वाला है. लेकिन अगर आपको पता ही नहीं, आप कुछ भी कैसे भी फॉलो करते रहेंगे, तो आपको बहुत सारे साल लगेंगे माइंड प्रोग्रामिंग करने के लिए. और यही बहुत ब्यूटीफुल वे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि सेल्फ नॉलेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू मस्ट नो अबाउट योरसेल्फ. और एक चीज चाणक्य जी ने कही है कि जो दुष्ट लोग होते हैं ना, दुष्ट लोग, उनसे हमें कोसो दूर रहना है. कोसो, जो दुष्ट लोग होते हैं उससे हमें कोसो दूर रहना है. देखो जो सांप होता है ना, सांप या फिर बिच्छू होता है, वो है ना, अगर आप उनके बीच में टांग अड़ाओगे ना, कोई सांप है या फिर बिच्छू है उसके बीच में आप टांग अड़ाओगे ना, तो ही आपको वो काटेगा. अदरवाइज वो अपने रास्ते चलते रहता है, आप अपने रास्ते चल सकते हो. और समझो गलती से आपका सांप के ऊपर पैर पड़ गया या फिर बिच्छू के ऊपर पैर पड़ गया, तो बिच्छू आपको सिर्फ एक बार ही डसेगा, बिच्छू या फिर वो सांप एक बार डसेगा और आगे निकल जाएगा. लेकिन जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, वो आपको बार 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 डसते ही रहेंगे. और दुष्ट प्रवृत्ति के लोग कभी चेंज नहीं होते. सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, तो यहाँ पे चाणक्य जी ने 2 ऑप्शन दिए हुए हैं दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के साथ हैंडल करने के लिए. एक तो उनको आप खत्म कर दो, फिनिश देम ऑफ, दैट इज अ 1 ऑप्शन. वो बहुत टफ ऑप्शन है, लेकिन ये ऑप्शन के लिए आप जाएंगे तो आपका भी बहुत सारा नुकसान हो सकता है, आपको भी बहुत सारे चैलेंजेस, वो दुश्मनी और बढ़ेगी, वो बढ़ते जाएगी. लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है मालूम है? उससे दूर रहने की कोशिश कीजिए. अगर आपको वो व्यक्ति दिख गया तो उससे दूर रहिए. ऐसे बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल्स उन्हें दिए हुए हैं. उन्होंने इवन ये भी कंपैरिजन दिया हुआ है, अगर आपकी माँ, आपकी मदर, अगर वो दुष्ट है, वो अच्छा व्यवहार नहीं करती है, तो उससे भी आपको दूर रहना चाहिए. इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट. जो भी स्टेटमेंट्स आपको मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, ये शायद आपको अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन ये बहुत पावरफुल वे में एक्सप्लेन उन्होंने किया हुआ है. बिकॉज जो दुष्ट लोग होते हैं उनके वाइब्रेशन का इम्पैक्ट हमारे ऊपर आते रहता है, और बहुत सारे चैलेंजेस जिंदगी में आप फेस कर सकते हो. लेट मी चेक व्हाट एल्स आई कैन शेयर. तो बहुत सारा कंटेंट इसमें है, इसमें से और जो बेस्ट कंटेंट है मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं. छोटे छोटे कोट्स उन्होंने दिए हुए हैं.
जैसे कि दिया हुआ है स्किल्ड पर्सन आर नॉट अफ्रेड ऑफ देयर लाइवलीहुड. जो स्किल्ड पर्सन होते हैं कि अभी बहुत सारे लोगों के मन में ना डर बैठा हुआ है बिकॉज कोरोना के वजह से बहुत सारे लोगों के जॉब जा सकते हैं, बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है. लेकिन जो व्यक्ति स्किल्ड है ना, स्किल्ड उसके पास कुछ ना कुछ तो जबरदस्त स्किल है, टैलेंट है, उसको कुछ भी डर नहीं रहेगा. कितना भी कुछ महामारी आए या कोरोना आए, कोरोना का बाप आए, कुछ भी उनको फर्क नहीं पड़ने वाला बिकॉज उनको पता है उनकी लेवल क्या है, उनकी औकात क्या है, उन्होंने क्या लेवल पे खुद के स्किल डेवलप किए हैं. तो इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको अभी डर लग रहा है कि कोरोना के वजह से आपका फाइनेंशियल सिचुएशन क्या होगा, ये होगा वो होगा, प्लीज वर्क ऑन योर स्किल. ये लेवल पे खुद को लेके जाओ ना यार, कि आपको लोग इग्नोर नहीं कर पाएंगे. इंग्लिश में एक कोट है, बी सो ऑसम दैट दे कांट इग्नोर यू. वो जो भी कॉम्पिटिटर्स है या फिर जो भी क्लाइंट्स है आपको इग्नोर कर ही नहीं सकते. ये लेवल पे आपके स्किल्स लेके जाओ, अदरवाइज आपके मन में वो कोरोना का या फिर किसी भी चीज का डर हर बार रहेगा. चाणक्य जी ने और एक चीज कही है कि अगर आपको पैसे के प्रति एडिक्शन है, अलग अलग एडिक्शन होते हैं राइट. चाणक्य जी ने कहा है अगर आपको पैसों के प्रति एडिक्शन है देन इट इज नॉट एडिक्शन. आपको पता है चाणक्य जी खुद मतलब जो फाइनेंस है वो हैंडल करते थे, फाइनेंस के बारे में उनको बहुत जबरदस्त नॉलेज था. उन्होंने एक स्टेटमेंट कही है, बार बार कही है चाणक्य नीति में, कि अगर आपको पैसे के प्रति एडिक्शन है तो वो एडिक्शन नहीं है. इट इज एब्सोल्युटली गुड टू बिकम रिच, इट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग टू बिकम रिच. इसका कंपैरिजन उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है. उन्होंने कहा है कि पैसा कमाते समय आप ऐसे सोचिए कि आप अमर हो. व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट. पैसा कमाते समय आप ऐसा सोचिए कि आप अमर हो, मतलब ऐसे आपके मन में नहीं आना चाहिए कि आप एक दिन मरने वाले हो तो मैं इतना पैसा क्यों कमाऊं. ऐसा आपको कभी भी नहीं सोचना है. आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा करना है. हाँ, लेकिन उसमें उसके लिए हमें गलत कर्माज नहीं करने. प्लीज अंडरस्टैंड, पैसा कमाने के लिए हमें गलत कर्माज नहीं करने. जो भी लॉज है, लॉ ऑफ कर्मा है या फिर जो सोसाइटी के लॉज है, उसको फॉलो करके ही हमें आगे बढ़ना है. लेकिन हमें अमीर इंसान बनना है. चाणक्य जी बार बार कहते हैं कि अमीर इंसान बनिए, बिकॉज जो अमीर इंसान होता है उसी को दुनिया सल्यूट ठोकती है, उसी को दुनिया रिस्पेक्ट देती है. इसलिए वो कहते हैं कि आपको अमीर इंसान बनना चाहिए. उन्होंने ये कहा कि अगर आप राजा भी हो, राजा भी हो और आपके पास पैसा नहीं है तो आपको लोग रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, राइट. इसलिए रिच बनना बहुत इंपॉर्टेंट है. उन्होंने कहा है कि सफरिंग पॉवर्टी इज लाइक डाइंग दो यू आर अलाइव, मतलब अगर आप गरीब हो तो रोज रोज का मरना हो जाएगा. वो मतलब आप जिंदा होते हुए भी तड़प तड़प के मरोगे, तो उसमें कोई पॉइंट नहीं है. सो अमीर बनिए. मैंने दो सेशंस भी लिए उसके लिए, हाउ टू अट्रैक्ट मनी इन योर लाइफ पार्ट वन पार्ट टू. बहुत अमेजिंग नॉलेज है. मैंने आपको ई बुक्स भी शेयर किए हुए हैं, सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड में आपको शेयर किया है, साइंस ऑफ गेटिंग रिच, थिंक एंड ग्रो रिच, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड. यार ये इतना जबरदस्त नॉलेज है ना, अनबिलीवेबल. मतलब ये नॉलेज अगर आप जिंदगी में फॉलो करोगे ना तो आप कभी भी ऑर्डिनरी इंसान रहोगे नहीं. यू आर गोइंग टू बिकम एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन योर लाइफ बिकॉज ये जो सिस्टम है बहुत सारे लोगों ने फॉलो की है और उनको जबरदस्त रिजल्ट मिले. मैं खुद ये सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ, मुझे भी जबरदस्त रिजल्ट मिल रहे हैं. मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज ये किताबें पढ़िए, और ये सब किताबें बाय गॉड्स ग्रेस सब किताबें यूट्यूब के ऊपर ऑडियो बुक फॉर्म में अवेलेबल है. ये सब किताबें आपको मराठी लैंग्वेज या फिर हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है. और क्या चाहिए यार, व्हाट एल्स यू वांट. ये सब कुछ आपको प्लेटर पे दिया हुआ है. अगर आपको किताबें पढ़ने में मजा नहीं आता है तो आप ये बुक का जो समरी है वो बुक का समरी कार्टून फॉर्म में भी देख सकते हैं. सिकेन करके एक चैनल है, सिकेन, मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में यहाँ पे डाल देता हूँ, सिकेन SEEKEN सिकेन, सिकेन करके एक चैनल है. वहां पे सभी बुक्स के समरीज दिए हुए हैं, जितने भी बुक्स है उसके कार्टून फॉर्म में समरीज दिए हुए हैं, तो वो आप देख सकते हैं. बहुत कुछ अवेलेबल है यार. मतलब अभी का जो अभी हमारा जो टाइम है ना, जो टाइम में हम लोग अभी जिंदगी जी रहे हैं, इट्स वन ऑफ द अमेजिंग एंड बेस्ट टाइम. एंड ट्रस्ट मी, जो अभी सिचुएशन है ओवरऑल वर्ल्ड वाइड, इट इज इन फेवर ऑफ इंडिया. आई एम टेलिंग यू, इंडिया इज गोइंग टू बिकम सुपर पावर. बहती गंगा में हाथ धो लो मेरे दोस्त, गंगा बह रही है, इंडिया सुपर पावर बनने जा रही है. बहती गंगा में हाथ धो लो, बहुत जबरदस्त मौका है अमीर इंसान बनने के लिए. ये छोड़ो मत, खुद की स्किल बहुत बड़े लेवल पे लेके जाओ, आपको बहुत पैसा कमाने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है. आई एम टेलिंग यू, चाइना के ऊपर देर इज ह्यूज प्रोबेबिलिटी के लोग चाइना को बैन करेंगे या फिर बहुत कुछ होने वाला है, और इंडिया में वो सब कुछ शिफ्ट होने वाला है. ये जो अभी मैं रिकॉर्ड, और ये बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजिस्ट एंड न्यूरोलॉजिस्ट है या फिर इन जनरल जो
फाइनेंस के रिलेटेड लोग है, वो बहुत कुछ इसके बारे में बोल रहे हैं. सो थिंक अबाउट इट, बी वेरी सीरियस. उन्होंने ये भी कहा है कि अगर एक कोई अमीर इंसान है, लेकिन अगर वो उसका जो फैमिली बैकग्राउंड है, कोई अमीर इंसान है लेकिन उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत खराब है, मतलब उसका जो मतलब गलत वे में उसने पैसा कमाया है, तो ऐसे व्यक्ति के संगत में हमें नहीं रहना है. ऐसे बिकॉज अल्टीमेटली वो दुष्ट कैटेगरी में आ जाता है. बिकॉज यू नेवर नो, आपको पता नहीं है वो दुष्ट व्यक्ति आपको कभी डसेगा और बार बार डसेगा आपको, इसके बारे में आपको आइडिया नहीं है. इसीलिए दुष्ट व्यक्ति से हमें हर बार दूर रहना है. और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, दुष्ट व्यक्ति को खत्म करने के चक्कर में मत पड़िए. आप वो बहुत बड़े कर्मा के साइकिल में अटक जाओगे. इट्स क्वाइट डिफिकल्ट. आपके पास बहुत पावर और बहुत पैसा होना चाहिए किसी दुष्ट व्यक्ति को खत्म करने के लिए. ये बहुत चैलेंजिंग चीज है, इसलिए उससे दूर रहना ही बहुत इजी है. मांझी करके अभी मैंने 2 दिन पहले मूवी देखा, राइट. तो मांझी मूवी में भी मतलब एक इंसान होता है, पूरा जो पहाड़ होता है वो फोड़ देता है. उसकी बीबी की डेथ हो जाती है पहाड़ के वजह से, पूरा पहाड़ फोड़ देता है. उसमें कितने सारे चैलेंजेस वो फेस करता है, एंड इट इज रिलेटेड टू दुष्ट लोग, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं. मतलब इतनी गंदी चीजें वो करते हैं ना कि हम लोग सोच भी नहीं सकते, बहुत घिन आती है. तो ऐसे लोगों से हम लोग जितना दूर रहेंगे उतना हमारे लिए फायदेमंद है, बिकॉज उनको खत्म करना बहुत मुश्किल है. बिकॉज उनकी थिंकिंग की लेवल आप सोच भी नहीं सकते, इतनी बुरी होती है. सो आई थिंक अभी हाफ एन आवर के लिए ये सेशन मुझे लगता है इनफ है एज ऑफ नाउ. एक दो दिन बाद फिर से हम लोग ये सेशन लेंगे चाणक्य, बिकॉज बहुत सारा कॉन्टेंट है. बिकॉज मैं सिर्फ कॉन्टेंट पढ़ते जाऊंगा तो मजा नहीं आएगा. तो जो भी लेटेस्ट डे टू डे लाइफ में अभी जो चैलेंजेस हम लोग सब फेस कर रहे हैं, तो उसको मैं लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ. इट इज अ लाइव सेशन है, मैंने कुछ ये प्रिपेयर नहीं किया है, मैं रट्टा मार के नहीं बैठा हूँ. तो जो भी मेरे मन में आ रहा है अभी ये पढ़ने के बाद, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो. जो भी हमने अभी तक डिस्कस किया है, आपको कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज थ्रो द क्वेश्चन एट मी. ओके, सो यहाँ पे एक कुछ अलग सवाल पूछा है कि विन विन सिचुएशन क्या होती है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विन विन सिचुएशन. विन विन सिचुएशन इज लाइक आप भी जीतो और मैं भी जीतता हूँ. मतलब समझो एक नेगोशिएशन आप किसी के साथ कर रहे हो, तो वो मोमेंट पे आप शतरंज की चाल भी खेल सकते हैं. मतलब कुछ टेक्निक्स वगैरह इस्तेमाल करके सामने वाले को गड्ढे में डाल के खुद आप फायदे में आ सकते हैं, राइट. एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मांझी मूवी में दिखाया गया था, वो इंसान एक सिर्फ एक इंसान कम से कम 20 से 25 साल के लिए एक मतलब पहाड़ होता है वो फोड़ने की कोशिश करता है, राइट. वो सक्सेसफुल भी हो जाता है, लेकिन बीच में एक सीन दिखाया हुआ है कि वो अनपढ़ इंसान होता है, तो उसका अंगूठा ले लेते हैं और सरकार से ग्रांट भी ले लेते हैं. 25 लाख की ग्रांट सरकार से ले लेते हैं, वो जो कलेक्टर लोग होते हैं सरकार से ग्रांट ले लेते हैं, लेकिन वो ग्रांट खुद के लिए ही रखते हैं और पूरा मजा कर लेते हैं और वो व्यक्ति को एक रुपया भी नहीं देते. सो दैट इज कॉल्ड विन लूज सिचुएशन. मतलब खुद जीतो और सामने वाले को कैसे भी करके हरा दो. क्यों हरा दो? बिकॉज उसमें कमजोरी है ना, उसको उसके पास उतना नॉलेज नहीं है, उसके पास कमजोरी है, तो उसके कमजोरी का फायदा उठाओ. सो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा जानबूझ के करते, चलो यार सामने वाले को नॉलेज नहीं है ना तो भी उसको उल्लू बनाओ. दैट इज कॉल्ड विन लूज सिचुएशन. कोई कोई लोग क्या करते हैं, खुद को हरा देते हैं, मतलब खुद बहुत नुकसान में जाते हैं और सामने वाले को विनर बना देते हैं. ऐसे भी हमें नहीं करना है. दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंसल्ट. खुद का आप इंसल्ट कर रहे हो, तो यू शुड गो फॉर द विन विन सिचुएशन. ये चाणक्य नीति के रिलेटेड नहीं था, लेकिन स्टिल इट इज रिलेटेड टू लॉ ऑफ कर्मा. बिकॉज जब आप विन विन सिचुएशन को जाएंगे, सो ऑटोमेटिकली यू आर फॉलोइंग द लॉ ऑफ कर्मा और भगवान आपको बहुत कुछ भर भर के देगा वो केस में. ओके, यहाँ पे मुझे एक चीज यहाँ पे कही है. यहाँ पे एक पार्टिसिपेंट है कि मैं खुद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो लॉ ऑफ कर्मा के बारे में मुझे नहीं कहना चाहिए. तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी, मैं आपका नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे, मैं आपको आपके साथ पर्सनली बात करूंगा. लॉ ऑफ कर्मा इज नॉट समथिंग फेक और समथिंग, यू कैन एक्सपीरियंस दैट इन योर लाइफ. देखिए चाणक्य नीति में ये कंसेप्ट एक्सप्लेन किया हुआ है. इट इज नॉट ऑर्डिनरी कंसेप्ट. हर एक जगह पे हमारी भगवद गीता है, सब जगह पे ये कंसेप्ट एक्सप्लेन किया हुआ है. सी लॉ ऑफ कर्मा ये बेसिकली क्या है, मैं शॉर्टकट में कह देता हूँ आपको. लॉ ऑफ कर्मा इज नथिंग बट एक्शन रिएक्शन प्रिंसिपल, एकदम सिंपल लैंग्वेज में. आप साइंस के स्टूडेंट हो, मुझे पता है आपके बारे में, आप साइंस के स्टूडेंट हो जो आपने मुझे सवाल पूछा हुआ है, आपका नाम यहाँ पे लेना नहीं चाहता. तो
लॉ ऑफ कर्मा है वो एक्शन रिएक्शन है, मतलब जो एक्शन में करूंगा उसकी रिएक्शन मुझे आज नहीं तो कल नहीं तो परसों होने वाली है। साइंस में कैसा होता है कि रिएक्शन इमीजिएटली होती है, लेकिन लॉ ऑफ कर्मा के चक्कर में मतलब ये सिस्टम में रिएक्शन इमीजिएटली नहीं होती। जैसे कि देखो मैं आपके साथ रिस्पेक्टफुली बात करता हूँ, सो ऑटोमेटिकली आप मेरे साथ रिस्पेक्टफुली बात करेंगे। अगर मैं आपके साथ एंगर से बात करता हूँ तो आप मेरे साथ उसी तरीके से बात करेंगे। सो इट्स वेरी सिंपल फॉर्मूला ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, इट इज बेस्ड ऑन साइंस, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। आपने मेरा माइंड पावर का वीडियो देखा होगा तो उसके उसमें मैंने एक्सप्लेनेशन दिया था कि जो पानी होता है पानी के ऊपर आपके विचारों का परिणाम होता है, तो उसमें भी लॉ ऑफ कर्मा ही काम करता है। जो आप कर्मा कर रहे हो तो बेसिकली आपका वो आपके बॉडी में अंदर पानी है उसके ऊपर या फिर जो भी जहाँ पे पानी रखा है उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है। सो लॉ ऑफ कर्मा इज नथिंग बट एक्शन रिएक्शन प्रिंसिपल, दैट्स इट, दैट्स इट। जो भी आप कर्मा करोगे वही आपको जिंदगी में मिलने वाला है, वही आपको जिंदगी में मिलने वाला है। सो बी वेरी वेरी काम एंड कंपोज व्हाइल डूइंग एनी काइंड ऑफ कर्मा इन योर लाइफ। ओके, और एक सवाल उन्होंने पूछा है, लेट मी रीड दैट। ओके फैंटास्टिक, तो ये तो मेरा फेवरेट कंसेप्ट है, आपने जो सवाल पूछा है। जब ए व्यक्ति बी व्यक्ति को कुछ तो देता है, एग्जाम्पल के तौर पे ए व्यक्ति बी व्यक्ति को कुछ तो देता है, तो जरूरी नहीं है कि बी व्यक्ति से ही ए व्यक्ति को चीज रिटर्न में आनी चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैं कितने वेबिनार ले रहा हूँ, वेबिनार के ऊपर वेबिनार, वेबिनार के ऊपर वेबिनार, और कितना जबरदस्त नॉलेज मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, और ये नॉलेज के लिए मैं आपसे एक रुपया भी नहीं मांग रहा। आई एम नॉट आस्किंग इवन अ सिंगल पेनी फ्रॉम योर साइड, और ये सब ट्रेनिंग मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये केस में मेरे एंड से मैं आपको बहुत कुछ दे रहा हूँ, तो जरूरी नहीं है कि आपके ही एंड से, मतलब अभी तक मैंने जो वेबिनार लिए, क्वेश्चन आंसर सेशन लिए, मैं बहुत पर्सनली कॉल करके भी बहुत लोगों को हेल्प करता हूँ, तो मैंने मे बी अभी तक 50-70 या फिर 1 लाख रुपीज का ट्रेनिंग अभी तक मैंने शेयर किया हुआ है। तो जरूरी नहीं कि आपके एंड से 1 लाख रुपीज मुझे मिले, मुझे कहीं ना कहीं से तो वो रिटर्न में आएंगे। क्या फर्क पड़ता है, समझो मैंने ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को कुछ दिया है, तो ऐसी जरूरत थोड़ी ना है कि बी व्यक्ति ने ए व्यक्ति को रिटर्न में देना चाहिए। आपको जब वो चीज की जरूरत रहेगी, वो हेल्प की, वो पैसे की या फिर जो भी रहेगा, वो सी व्यक्ति का जन्म होता है, सी व्यक्ति का जन्म होता है आपको वो चीज देने के लिए। आप मैंने कहा लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, एक्शन रिएक्शन, तो रिएक्शन किधर से भी हो सकती है, ऐसा नहीं कहा है कि रिएक्शन उसी व्यक्ति से होगी, राइट। सो रिएक्शन वो ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को कुछ दिया है, तो जरूरी नहीं है कि रिएक्शन बी व्यक्ति से ए व्यक्ति के साथ होगी, सी व्यक्ति का जन्म होगा, ट्रस्ट मी, सी व्यक्ति का जन्म होगा वो चीज आपको देने के लिए। और मैंने जिंदगी में बहुत बार ये चीज एक्सपीरियंस की है। एनी अदर क्वेश्चन, अदरवाइज वी विल वाइंड अप दिस वेबिनार। अगेन वी विल टेक, इट्स नॉट लाइक, ओके, यहाँ पे एक पार्टिसिपेंट ने COVID-19 को लॉ ऑफ कर्मा से कनेक्ट किया है, सो मैंने उसके बारे में ज्यादा डेप्थ में स्टडी नहीं किया है, तो उसके मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता एज ऑफ नाउ, whether it is related to law of karma or not, because उसके मैं डेप्थ में नहीं गया हूँ। लेकिन जो भी हमारे जिंदगी में अभी हो रहा है, और मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर कोई भी चीज हम लोग फॉलो करते हैं या फिर लॉ ऑफ कर्मा ऐसा कहता है, हमारी जिंदगी में जो भी चीज होती है हम ही उसको 100% अट्रैक्ट करते हैं। ट्रस्ट मी, आपके जिंदगी में आज जो भी हो रहा है, अच्छा या फिर बुरा, आप ही उसके लिए 100% रिस्पॉन्सिबल हो। आपके साथ जो भी व्यक्ति जैसा भी व्यवहार रखता है वो आप ही अट्रैक्ट कर रहे हो। तो आप ऐसे बोलोगे यार मैं तो हर एक के लिए अच्छा विचार रखता हूँ, हर एक के लिए मैं प्रे करता हूँ, तो मेरे साथ बुरा क्यों होता है? बिकॉज आपको यूनिवर्स सिग्नल देना चाहता है कि ये आपके साथ जो बुरा व्यवहार जो व्यक्ति कर रहा है वो दुष्ट प्रवृत्ति का है, उससे आप दूर हो जाइए। वो अगर आज आपको 100 रुपए का नुकसान करवा रहा है, तो आगे चल के लाखों रुपए का नुकसान आपको वो करवा सकता है, उससे जल्दी से जल्दी दूर हो जाइए। ये मैसेज आपको यूनिवर्स देना चाहता है। मैं आपको कहता हूँ विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, लॉ ऑफ कर्मा फॉलो करने के बाद आपके जिंदगी में जो भी होगा वो आपके अच्छे के लिए होगा, वो आपके अच्छे के लिए होगा। एक लास्ट एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, टोनी रॉबिन्स का एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। टोनी रॉबिन्स का एक स्टेटमेंट है, बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है, लाइफ इज हैपनिंग फॉर यू नॉट टू यू। मतलब ये लाइफ जो हो रही है ना वो आपके लिए हो रही है, आपके लिए जो भी लाइफ में हो रहा है वो आपके लिए हो रहा है।
तो उसके ऊपर टॉनी रॉबिन्स ने बहुत अच्छा एक कंसेप्ट उसकी खुद की स्टोरी वहां पे शेयर की थी, वो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। टॉनी रॉबिन्स का मतलब एक फेज ऐसा आया कि उसका मेमोरी लॉस हो रहा था, मतलब वो स्टेज पे जाता था वो पूरा भूल जाता था, रात रात तक उसको नींद ही नहीं आती थी, पूरी बॉडी में उसके कंटिन्यूसली पेन रहता था, उसके जॉइंट में, उसके मसल में, हर दिन वो मर रहा था। वो सोच रहा था यार मेरा डाइट इतना पावरफुल है, मेरी साइकोलॉजी इतनी पावरफुल है, तो मेरे को इतना सब कुछ पेन क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है मुझे पेन। तो कम से कम 5-6 महीने सफर करने के बाद वो फाइनली हॉस्पिटलाइज होता है और पूरे बॉडी का टेस्टिंग करवाता है। तो उसे पता चलता है कि उसकी बॉडी में लीड जो होता है सीसा, उसका जो पैमाना है वो 200 से 300 गुना बढ़ चुका है। अभी अच्छा डाइट फॉलो करने वाला व्यक्ति टॉनी रॉबिन्स, दुनिया का नंबर वन ट्रेनर, उसके बॉडी में लीड सीसा इतने ज्यादा पैमाने में कैसे आ गया? तो रिसर्च करने के बाद पता चला वो सालमन करके एक फिश खाता था, वो फिश जहां से आ रहा था वहां पे पूरा वो एरिया पॉल्यूटेड था लीड के साथ, उसके वजह से वो जो फिश खा रहा था, फिश के वजह से सब लीड उसके बॉडी में जा रहा था। और डॉक्टर ने उसे कहा पता है कि तू जिंदा है ना, तू जिंदा है, यही सबसे बड़ा मिराकल है, बिकॉज लीड का जो लेवल है हमारे बॉडी में अगर 200 से 300 टाइम बढ़ गया तो ऑन द स्पॉट आदमी की डेथ हो जाती है, ऑन द स्पॉट। लेकिन तू इतने मतलब 6 महीने के लिए जिंदा है, इसका मतलब यूनिवर्स तुझे बार बार सिग्नल दे रहा था कि जा खुद का चेकअप करवा ले, जा खुद का चेकअप करवा ले। और उसने वो करवाया। अगर उसको यूनिवर्स ने या फिर उसके बॉडी ने उसको सिग्नल नहीं दिए होते रिलेटेड टू हेडेक, या फिर उसको नींद नहीं आ रही है, उसकी मेमोरी उसको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो वो कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाता और साइलेंटली कोई तो रात में ओवर नाइट मर जाता। सब लोग बोलते हंसी खुशी ये आदमी सोते सोते मर गया, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। 6 महीने तक 5 महीने तक उसको बार बार उसके बॉडी ने उसको बार बार सिग्नल देते रही। तो इस तरीके के सिग्नल्स आपको आपकी जिंदगी देते रहती है। तो जो भी आपके जिंदगी में पेन आप एक्सपीरियंस करते हो अच्छे इंसान होने के बावजूद, तो उसके रूट कॉज को जानने की कोशिश कीजिए। और एक बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। समझो आपका पैर का तलवा है, उसके जो फीट है उसमें छोटा सा कुछ तो एक कंकर या फिर कुछ तो घुसा हुआ है अंदर, जैसे कुछ भी लकड़ी का कोई चीज है, कुछ भी आपके अंदर घुसा हुआ है। तो क्या हो जाता है अगर वो आपके जो सोल है, आपका जो सोल है पैर का, उसके ज्यादा अंदर चला गया ना, तो एक मोमेंट के बाद आपको दर्द होना कम होता है, राइट? एक मोमेंट के बाद दर्द होना बंद हो जाता है, बिकॉज वो इतना अंदर चले जाता है कि दर्द होता ही नहीं है, एंड यू फील अमेजिंग। लेकिन जब आप आपके बॉडी का क्लिंजिंग करना शुरू करते हैं ना, जब आपके बॉडी का आप क्लिंजिंग करना शुरू करते हैं, तो क्लिंजिंग करते समय ये सब जो इम्प्यूरिटीज है हमारे अंदर या फिर कुछ घुसा हुआ है कहीं से, टॉक्सिन्स है, वो बाहर आना शुरू होता है। और वो टॉक्सिन्स बाहर आ रहे हैं, इसका मतलब क्लिंजिंग बहुत प्रॉपर हो रही है। और आपको पता है, और जब वो अभी जो अंदर आपके पैर के अंदर जो घुसा हुआ है, कांटा है या फिर कुछ कांच है या फिर जो भी है जो घुसा हुआ है, अगर जब वो बाहर आने की कोशिश करता है ना, वो मोमेंट पे सबसे ज्यादा दर्द होता है, सबसे ज्यादा। तो आप बोलेंगे यार मैं तो मतलब इतनी अच्छी योगा या फिर कुछ अच्छे प्रोसेसेस फॉलो कर रहा हूँ, तो मेरे या फिर अच्छे कर्मास फॉलो कर रहा हूँ, तो मेरे जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज आपके जिंदगी से वो जो कंकर है, जो कांच है, जो कुछ जो भी घुसा हुआ है अंदर, वो बाहर निकलने की कोशिश है, आपको प्यूरिफिकेशन का काम चल रहा है। मेरा खुद का मैं एक एग्जाम्पल शेयर करता हूँ। जब मैं एक ब्रह्म विद्या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का कोर्स कर रहा था, आप भी वो कर सकते हैं, इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको मैं नंबर शेयर करूंगा, जो हमारे ग्रुप है उसके ऊपर मैं आपको नंबर शेयर करूंगा। ब्रह्म विद्या विक्रोली में फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जाती है। 2013 में मैं ब्रह्म विद्या का कोर्स कर रहा था, बहुत ऑनेस्टी के साथ सब कुछ फॉलो कर रहा था। अचानक से एक मतलब 1.5 महीने बाद मुझे पाइल्स होना शुरू हो गया। पाइल्स, आई होप यू नो व्हाट द पाइल्स इज ऑल अबाउट, और पाइल्स में क्या लेवल का दर्द होता है, हमारे दुश्मन को भी ना हो इतना डेंजर दर्द पाइल्स में होता है। देखो मैं तो नॉनवेज नहीं खाता, मैं ना ड्रिंक करता हूँ ना मैं स्मोक करता हूँ, तो भी मुझे पाइल्स कहाँ से हो गया? आई वॉज कंफ्यूज यार, इतना सब कुछ अच्छा फॉलो करने के बाद, ये सब कुछ मंत्रास वगैरह फॉलो करने के बाद मुझे पाइल्स क्यों हो रहा है? तो मैं वो जो ट्रेनर थे उनको मिला कि सर मुझे पाइल्स हो रहा है यार, ये कैसे पॉसिबल है इतना सब कुछ अच्छा करने के बाद? उन्होंने मुझे शाबाशी दी और उन्होंने कहा कि यार आप बहुत अच्छी तरीके से ब्रह्म विद्या के प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हो, इसीलिए आपके बॉडी में जो भी टॉक्सिन्स है अभी बाहर निकलने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह से जब हम लोग लॉ ऑफ कर्मा या फिर अच्छे कर्म करने लगते हैं, तो बहुत सारे चैलेंजेस हमारे जिंदगी में आते हैं। तो एक तरीके से वो जो टॉक्सिन्स है या फिर बुरे लोग हैं निकलना शुरू हो जाता है, या फिर जो भी व्यक्ति के साथ हमारा बहुत अच्छा बॉन्डिंग है सालों से, वो हमें बहुत अच्छी तरीके से ब्यूटीफुल वे में धोखा दे देता है।
धोखा दे देता है। वो पता है धोखा क्यों मिलता है आपको? बिकॉज यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहता है कि सामने वाले व्यक्ति की औकात पहचान ले और उससे दूर हो जा, बिकॉज ये व्यक्ति तेरे को लेके डूब जाएगा। देखिए, जब आप अमीर बनने की कोशिश करोगे, ये सब सिस्टम फॉलो करोगे, तो ये बहुत सारी नेगेटिविटी आप एक्सपीरियंस करोगे, बहुत सारे बुरे लोग उनकी औकात दिखाना शुरू करोगे। पता है क्यों? बिकॉज यूनिवर्स आपको स्ट्रांग बनाना चाहता है। जब आपके अकाउंट में 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ आएंगे, तो बहुत सारे लोग आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे और आपको लूटने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे स्कीम्स आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो यूनिवर्स आपको स्ट्रांग बनाने के लिए आपके जिंदगी में ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करेगा। सो विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, लॉ ऑफ कर्म, या फिर चाणक्य नीति में जो भी कंसेप्ट एक्सप्लेन किए हैं, वो फॉलो करने के बाद चैलेंजेस आ सकते हैं। ऐसे मत सोचिए कि विजुअलाइज करने के बाद, चाणक्य नीति फॉलो करने के बाद, लॉ ऑफ कर्म फॉलो करने के बाद, अफर्मेशन करने के बाद जिंदगी में खुशहाली ही आएगी। नो, चैलेंजेस भी आएंगे और चैलेंजेस आपको कुछ ना कुछ तो मैसेज देना चाहते हैं। और मैं तो कहूंगा, अभी जो COVID-19 लॉकडाउन की सिचुएशन है, ये तो बेस्ट सिचुएशन हर एक व्यक्ति के लाइफ में है, बिकॉज जिंदगी हमें मौका दे रही है सेकेंड इनिंग खेलने का। ट्रस्ट मी, जिंदगी आपको मौका दे रही है सेकेंड इनिंग खेलने का। आज तक आपने जो तरीके से जिंदगी व्यतीत की है, वही अगर आप आगे फॉलो करोगे, खत्म, वही मिलेगा जो आज तक मिला हुआ है। जिंदगी ने मौका दिया है, अभी भी सोचो मेरे दोस्त, आप जिंदगी में कहां पे लैग कर रहे हो। ऑनेस्टली खुद को पूछो क्या आप एक्सरसाइज कर रहे हो। ऑनेस्टली खुद को पूछो क्या आपकी रिलेशनशिप में अच्छी बॉन्डिंग है। ऑनेस्टली खुद को पूछो कि जो भी आप जॉब कर रहे हो, क्या आप वहां पे आपके बॉस को उल्लू बना रहे हो या फिर पूरी जान लगा के काम कर रहे हो। या फिर आप बिजनेस कर रहे हो, क्या आप आपके क्लाइंट्स कस्टमर को उल्लू बना रहे हो या फिर जान लगा के काम कर रहे हो। ये जो भी हो रहा है हमारे जिंदगी में बहुत ब्यूटीफुल है। आई एम क्वाइट ग्रेटफुल। और मैं आपको कहता हूँ, एक मोमेंट भी मुझे कभी बोर नहीं फील हो रहा है। इतने दिन से घर पे हूँ, घर से बाहर नहीं निकल रहा हूँ, एक मिनट के लिए भी मुझे बोर नहीं हो रहा है। बिकॉज जिंदगी में कुछ तो गोल है यार, जिंदगी में कुछ तो टारगेट है। जिसके जिंदगी में टारगेट होता है ना, उसको बोर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर आप बोर हो रहे हो, प्लीज खुद का आत्म परीक्षण कीजिए और खुद को पूछिए कि क्या सच में तेरे जिंदगी में कुछ गोल्स टारगेट्स है। और मैंने जो टोनी रॉबिन्स का एक सेशन लिया था, 6 Human Needs वाला, प्लीज एक बार वो चेकआउट कीजिए। उसमें बहुत ब्यूटीफुल वे में उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। या सो दैट्स इट। अभी ऑलमोस्ट 10 बजने आए हैं और लेट मी सी इफ देर एनी अदर क्वेश्चंस। Let me see, otherwise I will end this webinar. Okay, चंद्रशेखर जी ने यहाँ से पूछा है कि कोरोना के सिचुएशन में माइंड कैसे रखना है। चंद्रशेखर जी, अभी आज ही मैंने, आज या फिर कल मैंने हेल्थ के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया है। बेसिकली इट इज रिलेटेड टू स्ट्रेस एंड इम्यूनिटी। देखो, अगर आपकी इम्यूनिटी पावर जबरदस्त है ना, आपकी इम्यूनिटी पावर जबरदस्त है, कोरोना क्या, कोरोना का बाप भी आपका बाल बाका नहीं कर सकता। प्लीज अंडरस्टैंड, आपको पता है आपके बॉडी में, मेरे बॉडी में अभी कैंसर के सेल्स प्रेजेंट है, लेकिन कैंसर के सेल की ताकत है ना, कुछ भी नहीं है। मतलब आपकी बॉडी की जो इम्यूनिटी पावर है वो मिलियन टाइम्स ज्यादा है, लाखों गुना पावरफुल है हमारी इम्यूनिटी सिस्टम। तो किसी भी वायरस के साथ वो फाइट कर सकती है। तो हमारा फोकस ये होना चाहिए किस तरह से हम हमारे इम्यूनिटी को मेंटेन कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं, उसके ऊपर आप फोकस कीजिए। कोरोना के बारे में मत सोचिए, जो चीज आपके हाथ में है उसके ऊपर फोकस कीजिए। कौन आपको कहाँ से क्या मिलने आएगा, या फिर जो भी आप सब्जी लेके आ रहे हैं, या फिर जो भी आपके घर में जो दूध का थैली आ रहा है, या फिर जो भी आ रहा है, उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है यार। यू कैनॉट कंट्रोल ऑल दीज थिंग्स। हम नहीं कंट्रोल कर सकते। हम लोग क्या कंट्रोल कर सकते हैं? हमारी इम्यूनिटी। तो उसके ऊपर फोकस कीजिए, बहुत पॉजिटिव इंसान बन जाइए। बिकॉज मैं आपको कहना चाहूंगा कि इम्यूनिटी का सबसे बड़ा दुश्मन है, नंबर वन दुश्मन है स्ट्रेस, तनाव। तनाव के वजह से आपकी इम्यूनिटी ड्रास्टिकली रिड्यूस होती है। इसीलिए कुछ भी करके पॉजिटिव रहिए, हैप्पी स्टेट में रहिए। इसीलिए तो कहते हैं ना, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। बिकॉज जब आप लाफ्टर के मोड में होते हैं तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होती है और ऑटोमेटिकली आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। आपको पता है, सिर्फ पांच मिनट के लिए अगर आप एंगर में, टेंशन में हो रहेंगे ना, तो 6 घंटे, आने वाले अगले 6 घंटे के लिए आपकी इम्यूनिटी पावर सप्रेस हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। इसलिए खुश रहो यार, हैप्पी रहो, खुद के गोल के ऊपर काम करो, बहुत मजा आएगा। एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, देन आई विल एंड। ओके, दिलीप जी ने यहाँ पे पूछा, स्किल्स लेवल कैसे बढ़ाने हैं? सर जी, आपका खुद का आत्म परीक्षण कीजिए, आप जिंदगी में कहाँ कहाँ पे लैग कर रहे हो। आपको पता है, देखो
जितना आप खुद के साथ ईमानदार रहोगे ना, आपका सक्सेस का लेवल उतना जबरदस्त रहेगा। लेकिन आप खुद को उल्लू बनाते रहेंगे तो आपका सक्सेस कभी नहीं होगा। तो आप खुद के लाइफ का आत्म परीक्षण कीजिए, कहाँ कहाँ पे आप जिंदगी में अटक रहे हो। इट कैन बी हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, फाइनेंस, सोशल, स्पिरिचुअल, और उसके ऊपर काम करना आप शुरू करो। आइडेंटिफाई योर ओन चैलेंजेस। यू कैन टेक फीडबैक फ्रॉम योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, या फिर मेंटर्स, या फिर आपके फैमिली मेंबर्स, उनसे आप फीडबैक ले सकते हैं रिगार्डिंग दिस। यस चंद्रशेखर जी, मुझे पता है लोग बहुत डरे हुए हैं। आई नो दैट। आपको पता है मैं कहाँ पे रहता हूँ? मुंबई का अगर आप सर्च करोगे, मैं जी साउथ वार्ड में रहता हूँ, और यहाँ पे सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस है, और यहाँ पे बहुत बड़ा लॉकडाउन चल रहा है। ठीक है, मैं वो सिचुएशन में हूँ, लेकिन ये सिचुएशन कहीं भी हो सकती है। और देखिए, मैं आपको ये चीज कहना चाहूंगा, अभी थोड़े दिन बाद जब लॉकडाउन निकलेगा, बहुत सारे लोग बाहर निकलेंगे, तो वो सिचुएशन और खराब हो सकती है। जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है यार, तो हमारे कंट्रोल में इम्यूनिटी है, उसके ऊपर आप फोकस कीजिए। ओके, लुक्स लाइक यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। यस, देयर इज नो क्वेश्चन ऑलरेडी। अभी 10 बज चुके हैं। सो ये अभी रिकॉर्डिंग मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो रिकॉर्डिंग है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये नॉलेज शेयर कीजिए। बिकॉज आज जो टाइम है, उसमें हमें पूरे सब भारतवासियों को बहुत स्ट्रांग बिहेव करना है, बहुत मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग होना है, अदरवाइज बहुत बड़े चैलेंज में हम लोग अटक सकते हैं। या और कुछ टॉपिक्स हैं मुझे शेयर करने हैं, चाणक्य नीति है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है अभी मेरे पास, लेकिन अभी टाइम लिमिटेशन हमारे पास है, बिकॉज अभी 10 बजने आए हैं। फिर से एक बार मैं वेबिनार लूंगा, आपसे कनेक्ट हो जाऊंगा, और आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प करने की कोशिश करूंगा। बिकॉज योर सक्सेस इज माई पैशन। आई एम मैड 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 अबाउट हेल्पिंग यू। आपका सक्सेस ही मेरे लिए सब कुछ है, आपकी दुआ ही मेरे लिए सब कुछ है। बिकॉज मरने के बाद मैं कुछ भी लेके नहीं जाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी दुआ लेके जाने वाला हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पैसा नहीं कमाना है। आई रियली वॉन्ट टू अर्न अलॉट, मुझे भी अमीर इंसान बनना है, लेकिन उसके साथ मेरा फोकस उसके ऊपर भी है कि किस तरह से मुझे ज्यादा से ज्यादा ब्लेसिंग्स मिल सकते हैं। और जब ब्लेसिंग मिलना शुरू हो जाएगा, आपके ब्लेसिंग्स मुझे मिलेंगे, पैसा आएगा यार, बहुत आएगा, देयर इज नो चैलेंज फॉर दैट। सो यू ऑल्सो फोकस अपॉन किस तरह से आप ज्यादा से ज्यादा ब्लेसिंग्स आपके जिंदगी में अट्रैक्ट कर सकते हैं। पैसा उसके साथ अटैच्ड होके बहुत मल्टीप्लीकेशन में आते ही रहेगा। गिन के थक जाओगे, बोर हो जाओगे, इतना पैसा आएगा। फोकस अपॉन ब्लेसिंग्स, फोकस अपॉन कंट्रीब्यूशन, फोकस अपॉन हेल्पिंग अदर्स। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू।